एमसीडी चुनावों की सुगबुगाहट अब दिल्ली में साफ देखी जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने बीते दिनों एक स्टिंग वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। आम आदमी पार्टी पर टिकटों की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा बीजेपी इन दिनों हमलावर है। बीजेपी बीते 15 सालों से एमसीडी में बैठी है। अब स्टिंग वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे ने बीजेपी द्वारा जारी स्टिंग वीडियो को फेक बताया है। दिलीप पांडे ने कहा कि रोजाना बीजेपी की ओर से जो स्टिंग वीडियो जारी किए जाते हैं, ये वीडियोस बिल्कुल फेक हैं। इससे एक बात साफ होती है कि बीजेपी एमसीडी इलेक्शंस में बुरी तरह से हार रही है। इसी डर में ये पार्टी रोजाना फेक स्टिंग वीडियोस निकाला करती है। सच्चाई ये है कि अगर बीजेपी ने 15 सालों में कोई काम किया होता तो यूं फेक स्टिंग निकालने की कोई नौबत ही नहीं आती। इससे बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। आज सबसे ज्यादा मांग आम आदमी पार्टी की है, तो हर जगह दलालों की हायरिंग हो चुकी है। सच ये है कि आम आदमी पार्टी में टिकट बेचे नहीं जाते। जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उन्हें ही टिकट दिया जाता है। 100 बातों की एक बात, बीजेपी ने 15 सालों में कोई काम नहीं किया। अब ये स्टिंग फेक है या रियल, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।